जनाब जिला फूड पॉइंट बड़ा फेमस सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि वो देसी घी भी डाल रहे हैं, उसमें क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ हम फूड अथॉरिटी के साथ मेन मार्केट गुलबर्ग में जिला फूड पॉइंट जो सोशल मीडिया का क्रेज बना हुआ है उसको जरा चेक करते हैं, आइए। अस्सलामुअलैकुम जिला साहब द ग्रेट, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। थोड़ा इधर आ जाए और जरा मास्क उतार लें, है ना? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र सर। हम सारे फैन है जी आपके। सर क्यों नहीं, आपका मैं आपका फैन हूँ सर जी, माशाल्लाह। आपने बड़ा यूनिक स्टाइल मुतारिफ करवाया है। ये जो देसी घी डाल रहे होते हैं आप जी सर, किधर से आता है ये? पाकिस्तान सर पाकिस्तान से आता है, इधर ही बनता है। कौन कौन से ब्रांड्स इसमें सर जी? किसान है, पंजाब है, और एडम का मैं सब लगाता रहा हूँ, उसके रेट थोड़े ज्यादा हो गए। अच्छा। और जो पंजाब का ये मेरे साथ दे रहे हैं, उसका वो जो किसान है वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा जिंदाबाद। सही है, बाहर तो बाहर कोई, लेकिन आपकी तैयारी किधर होती है कुकिंग? सर आए आपको दिखाते हैं, तैयारी दिखाते हैं, आ जाए ना, आ जाए फिर उसमें अगली बात करते हैं। अच्छा क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा तो यह सारी तैयारी यही होती है? ये तैयारी वो सर मसाले पड़े ठीक है, और ये सब रोस्टर का यूज करते हैं, और मक्खन वो पड़ा। फूड वालों से कब से पाला पड़ा है आपका? ये तो मेरा बचपन का पड़ा है, जब कि आए हैं माशाल्लाह। अच्छा। असल में सर जी मुझे शौक था चीज़ी लगाने का, तो मुझे इधर सीखने को फूड ग्रेड से फूड वाले से बहुत कुछ मिला है। अच्छा। मैंने खुद क्लासे ली है, मैंने लड़कों ने ली है सर जी। अच्छा, इनसे यानी बाकायदा क्लासेस ली? हाँ जी क्लासे ली है। हमें तो यकीन करें, हम जितने पाकिस्तान में लोग गंद मारे थे साहब जी, बात मैं भी बीच में ही हूँ, बस जब जो उन्होंने मेरा एक दिन दुकान बंद भी कर दी थी। अच्छा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जो मैं क्लासे लेकर आया हूँ। फूड अथॉरिटी ने दुकान आपकी बंद की, जुर्माने भी हुए आपको? जी जुर्माने भी हुए। उसके बाद हमने काम बिल्कुल अच्छा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इनकी वजह से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला है। हमें पता ही नहीं था कि जनाब फूड ग्रेड क्या होती है, प्लास्टिक फूड ग्रेड कौन सा होता है, स्टील कौन सा यूज करना होता है, बर्तन कौन से करने होते हैं, सर बिल्कुल कुछ। और ये देखिए माशाल्लाह, ये आपको दिखा रहे हैं, इसकी हम सील पैक है। जिला साहब जो उनकी रील्स हम देखते हैं ना, वो फॉर्म पे आ गए। नहीं सर ये आपकी मेहरबानी है, असल में सर ये इसका ये डेट लिखी हुई है, इस पर ही डेट लिखी होती है, ये देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया को पता है। चीज़ें स्टोर वगैरह कहाँ करते हैं? चिकन कहीं रखते होंगे ना आप लाके? सर ये पड़ो बस शुरू दिखाते हैं। क्या बात है, ये अच्छा जी, उसकी वजह ये सर जी, मैंने 16 साल मैंने ना अरेगा में काम किया है पठानों की मार्केट में। अच्छा, वो तो सारा चलता है उधार। अच्छा, कभी पैसे का मुश्किल मैंने देखी नहीं सर जी। अच्छा, अल्लाह जानता कभी महीने पैसे मिल गए, कई साल बाद हफ्ते बाद पैसे मिल गए। अच्छा, इधर जो इधर आया ना मैं, तो मुझे नगद पैसे मिले सर जी, कैश आ रहा था, कैश आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कैश की वजह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले 2 लड़के थे, अब मेरे पास 25 लड़के हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो रोजाना आपको मेन्यू चेंज होता है, ये तो कह रहे थे बंद रहा। हाँ जी। अच्छा इसमें सर ये जरा बताइएगा, ये यानी अगर डेयरी की चीज़ें पड़ी हुई है और चिकन है तो ये ठीक है एक ही उसके अंदर? एग्जैक्टली नहीं, इसमें अगर एक्सपायरी भी हम चेक करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल इनकी जो है ना अभी एक्सपायरी नहीं हुई। Okay. और इसके अलावा बाकी जो इसका सारा मटेरियल, अगर अगर चिकन का आइटम और डेयरी आइटम एक ही फ्रिज के अंदर है तो ये पैक्ड है, तो वो कोई इशू नहीं है, ओपन नहीं होने चाहिए। ओपन में सर्टिफिकेशन आपका, एग्जैक्टली सही। आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम सर रमजान है, मेरे बाप का नाम जीला है। तो आपने उनके नाम से शुरू किया? जी, लोग आपको जीला समझते हैं? आप जीला समझते हैं। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, ज़ाहिर अल्लाह मुझे उनके नाम से मिलकर बड़ी खुशी है, अल्लाह जानता है। अल्लाह की कसम आप पाकिस्तान की जान हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा पहले शुरू किया? मुझे सर जी 18 साल हो गए। अच्छा, ये काम फूड का काम शुरू किया? सबसे पहले सर जी मैंने लगाया लोग लगा डाटा की, हाँ, तो मैंने लगाया उसका सूफी का। अच्छा, सब जी अच्छा मैंने घी लगाया, उसके बाद अल्लाह का शुक्र मैंने मक्खन पे आया। मक्खन के बाद आया जो ब्लू बेल मक्खन था ना, वो लोग कहते हैं ये मार्जरीन है। हाँ, मैंने बड़ा डाला, मेरी वीडियो भी उसके सामने ब्लू बेल की है, वो मैंने छोड़ लोगों ने कहा ये मार्जरीन है। तो जो कंपनी का मालिक था मेरे पास आ गया, मैंने मक्खन को छोड़ा। हाँ, मैं कहा सर वो मार्जरीन है, मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देसी घी शुरू किया, अभी लोग मुझे इतनी गाली निकालते देसी घी में, क्यों कहते एक्सपायरी की है ये दो नंबर है ये। मैं भाई साबित करो, अल्लाह का शुक्र है वो मेरी रिपोर्ट भी फूल डिलीवरी मेरी पास आई है। अच्छा, सोशल मीडिया का आइडिया? सोशल मीडिया सर जी मैं ना असल में एक भाई है अब्दुल मान भाई। अच्छा। उसने मेरी वीडियो डाली, तो मैं जो वीडियो बना रहा था मैं कहा मैं मेरी वीडियो डाल मैं पकड़ ना जाऊँ। अच्छा, क्योंकि मैं नाले में पंजाबी में कहता था। हाँ। मैं बैठा नाले होते। अच्छा। MC बैंक थले बैठा, तो नालों पर मैं बैठा रहा,
ये सारा कमाल हुजूर पाक का सदका मिला है, मुझे अल्लाह की आसी यकीन करें। तो पहली वीडियो पे आप डर रहे थे पकड़े जाएंगे? हाँ जी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं नाले पे बैठा हूँ, यकीन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है। ये टिकटॉक का जो निकली है वीडियो सारी है, अभी कहते हैं टिकटॉक थाना लोग मुझे गाली बहुत ज्यादा निकालते हैं, तो मैं अपना खैर में यकीन करे मैं अपना काम पता है, इसमें डरना नहीं आपने, सारे लगे हुए आपसे कोई परवाह नहीं। सर आपके काम अच्छा करते हैं, आपके चैनल थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह के हुक्म से, कभी ये ना सोचे मेरी वाम सोचे कि जिला अफसर दोलम नहीं करूंगा, मैं इंशाल्लाह तआला जैसा हूँ वैसा अफसर रहूंगा, जबकि मेरी जान है मेरे सास है मैं करता रहूंगा, इंशाल्लाह 200-150 के लिए मेरे कोई ऊपर नहीं है, और इंशाल्लाह महंगाई नीचे आ रही है, लोग किसी को बताते नहीं है, चिकन सस्ता हो गया भाई, 1200 किलो चिकन था 600 रुपये हो गया, खुदा के लिए जितने रेस्टोरेंट ले हो नीचे कर दो रेट, खुदा के लिए महंगाई नीचे लेकर आओ, ये काम करो, आप इतने तो कोठियां डाल रहे हो, मेरे पास कोठी है नहीं है, अच्छा। टैक्स वाले मेरे मगर पड़ के, जब ने छांच भी कुछ नहीं निकला, टैक्स वाले पड़े भी कसम खुदा की, मैंने कहा ये क्या क्या कर रहा है, पकड़ो इसको सारा। नहीं मुझे बताएं, जाहिर लोग बुरा भला कहने वाले हर जगह होते हैं, मैंने कहा भी प्यार भी तो लोग आपसे करते हैं, ये प्यार है तो इतनी दुनिया में, फिर तुम ओदा ध्यान ज्यादा करया करो ना, तुम गाना ध्यान ज्यादा कर रहे हो, बस मेरे को गलती हो गई, उन्होंने दफा करो, उन्होंने सोचा नहीं इस बात, फेसबुक का कोड बना लिया सी, टिकटॉक का बना लेता, फिर YouTube का बना लिया, साडा YouTube का एक कोई गलती ना करे फेसबुक सानू लाख रुपया आया, गलती ना आया, उस तो बाद साडा मोनेटाइज नहीं होया ना, सानू किसी भी चैनल क्लोन नहीं देंदे, साडा हैक कर लेंदे ने, ओहो हो हो एक काम कर देना जी, लो जी ये आज के बाद इनकी जो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, अगर इसके लाल कमा रहे हैं तो उनको मदद करनी चाहिए। सर जी आपका बड़ी मेहरबानी है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये जुमला किसने बनाया कि जिला एक नशा है? ये खाने वाले खा रहे थे वो जिले में बैठ के बैंक के से बैठे थे, वो कहते हैं जिला की नशा, मुझे नशा हो गया, जिला नशा तो हराम है ना, तो ये हलाल नशा, ये हलाल नशा खाने के लिए क्या है, बाकी ये इसमें बड़ी चले बात, इसमें कोई शक नहीं जी, हमारा प्राइड है पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी, और केपीके में भी बहुत काम हो रहा है, सिंध में जरा चैलेंजेस में हमेशा कहता हूँ जरा ज़्यादा है, पंजाब में हमने माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट देखी है फूड पॉइंट्स पे, खाने के पूरे बिजनेस के अंदर, और ये बड़ी खुश आइंद बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि शायद हमने 2011-12 में जब सरेआम शुरू किया था, उस वक्त तक गंदगी को गंदगी समझा ही नहीं जाता था, यानी जो चीज़ जितनी गंदी होती थी, जहाँ कढ़ाई बन रही है वहाँ जितनी गलाजत होगी, जिस बेकरी में जितनी ज़्यादा मक्खियाँ होंगी, जिस भटूरे वाले के पास जितनी ज़्यादा गर्द होगी, लोग कहते थे यार यहाँ का जायका ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम समझते थे यार गंदगी जहाँ होगी वहाँ जायका होगा, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक हमारा मिजाज ये था। अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कि सरेआम को बारिश का पहला कतरा बनाया, हमने एफर्ट शुरू की, उसके बाद फूड अथॉरिटी इनकलाब ले आई, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे अगर मैं ये कहूँ कि हमारा एक छोटा सा ख्वाब था, उसकी ताबीर अल्लाह ताला की ज़ात ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़रिए करवाई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ये सब देख के। सो फाइनली सर, अगेन आपने ज़रा अभी रिसेंटली ज्वाइन किया अथॉरिटी को, बट मुझे इन नौजवानों को देख के, जितने भी फूड साइंटिस्ट हैं हमारे और जितने लोग इससे पहले से वाबस्ता है, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि चेहरों पर एक इत्मीनान है। एग्जैक्टली, ये बड़ी एफर्ट है, और हमारे जो फूड सोल्जर्स हैं वो तो यही है ना, कि ये इनको ट्रेन करते हैं, ये इनको गाइड करते हैं, यही रेक्टिफिकेशन करवाते हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल ठीक है। और सर अगेन आपने तो, आप चूंकि बहुत सारे बरसों से हैं, तो आपने ये पूरी ट्रांजिशन देखी है खुद जी, और ये खुशी की बात है कि लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, माजरत ज़रा लंबी हो रही है बात, कि जब इनको ये एतमाद होता है ना कि ये इदारा या इसके ऑफिसर जो है ना करप्ट नहीं है, तो फिर लोग कॉपरेट भी करते हैं और इज्जत भी देते हैं उस इदारे को। जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह लोग कॉपरेट करते हैं, और अगर आपने ये देखा हो कि बहुत सारे इदारों में लोग कंप्लेंट इसलिए नहीं करते हैं कि एक तो उनकी कंप्लेंट रिड्रेस नहीं होगी, और सेकेंडली ये है कि अगर वो रिड्रेस होगी तो शायद ऑफिसर्स जो हैं वो कोई उनके साथ मामला तय करेंगे। तो हमारा जो कंप्लेंट का सिस्टम है वो इटसेल्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शफाफ है, 1223 जो है हमारा कंप्लेंट नंबर है, तो उस पर किसी को कोई भी शिकायत हो खाने के मुतालिक, तो वो हमारे कंप्लेंट सेल पे कॉल करे, हम फौरी रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।